वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। सो मैं आपको बताता हूँ कि सब इंजीनियर का कुछ उसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ अपडेट जो है बताता हूँ। एंड स्पेशली ये मैं जो लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग लेके आया हूँ। जी लाइक हिंदी के जो टॉपिक्स हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में आए हैं, एंड वो ऑल ओवर सिमिलर रहते हैं हर शिफ्ट में, हर साल में। एंड इंग्लिश का बताने वाला हूँ। सो ये जो है आप एंड तक देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 6 जून को होने वाला था, बट कुछ रीज़न से जो है अभी स्थगित नहीं कर सकते हम बोल सकते हैं कि अभी रोक दी गई है। एंड अभी कुछ नहीं बताया गया है इसका, ना डेट ना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किए गए हैं। सो इसकी वैकेंसीज आई थिंक 3,500 समथिंग जो है आई थी, एंड इसमें कुछ दिन बाद नोटिस आया था कि इसकी जो है वैकेंसीज वो इंक्रीज़ होंगी। ये नहीं बताया कि कितनी होंगी, बट बताया गया था कि इंक्रीज़ जो है होंगी। एंड इसका मेन रीज़न क्या हुआ है कि जो अभी रोक दी गई है, मेन रीज़न इसका ये है कि जनरल में कुछ डिपार्टमेंट में 0 वैकेंसीज दी गई हैं। सो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो कोर्ट में गए, एंड ये जो है इसलिए अभी जो है रोक दी गई हैं। एंड इसमें अब संशोधन होने के बाद जो है वो इसका अपडेट आएगा। सो अब हम उसकी टेंशन ना लेते हुए हम टेंशन लेते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। सो हम हिंदी की बात करते हैं। फर्स्ट हिंदी में काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि DSSB में है तो उसमें भी हिंदी आएगा, बट उसके टॉपिक्स कई अलग होते हैं, इसमें टॉपिक अलग होते हैं। तो ओवरऑल हिंदी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है यानी कि ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो ओवरऑल पढ़ सकते हैं हम, यहाँ कोई भी नहीं। अगर आप DSSB को भी कवर कर रहे हैं तो उसको DSSB यानी DSSSB का आप कवर कर रहे हैं इंजीनियर में तो वो, और सब इंजीनियर का आपको वो दोनों कवर करना है तो सारा डिटेल में आपको पढ़ना है। अगर आपको व्यापम का सिर्फ MPPEB का कवर करना है तो मैं आपको बताता हूँ उपसर्ग, उसके क्वेश्चंस कितने आए थे 2018 दोनों शिफ्ट के हैं वो आपको बताता हूँ कितना सिमिलर रहता है। उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग प्रत्येक तो 2 क्वेश्चंस आए थे और 1 क्वेश्चंस आया था, यानी कि इसमें 2 सितंबर 2018 का जो है एग्ज़ाम आई थिंक ये मॉर्निंग शिफ्ट है ये इवनिंग शिफ्ट। संधि विच्छेद की बात करते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चंस, इसमें भी 2 क्वेश्चंस। शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध रूप जो है इसमें 1 क्वेश्चंस। मुहावरे की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चंस। ओवरऑल सिमिलर ही था, किसी क्वेश्चन में एक आध दो जो है थोड़ा डिफरेंस था। उस पर्यायवाची का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी 1 क्वेश्चन। समाज की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस। अनेक शब्दों का जो शब्द होता है एक शब्द, तो इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं अगर बात करते हैं अलंकार की, बात करते हैं अलंकार में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रस की बात करते हैं, इसमें 1 क्वेश्चन। अब मैंने क्यों बताया है, आपको ये टॉपिक लिखना है और जो बुक्स में है उसमें आप टिक लगाना है कि मुझे यही टॉपिक 100% अच्छे करने हैं, अदरवाइज आपको डाउट होता है तो आप कहीं ना कहीं आप सर्वनाम हुए, संज्ञा हुई, तो ये जो है विशेषण हुए, तो आप ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। जैसे कि DSSB में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल, DSSB में जो टॉपिक्स रहते हैं वो ऐसे कि विराम चिन्ह हुआ उसमें से, सर्वनाम हुआ, मुहावरे तो नॉर्मल है, काल मतलब टेंसेज आते हैं उसमें भी, उपसर्ग तो सभी में आते हैं उस दोनों में, सामान्य अर्थ भी, पर्यायवाची इसमें नहीं, हाँ इसमें पर्यायवाची पूछा उसमें भी पूछते हैं, बहुवचन उसमें पूछते हैं इसमें नहीं, प्रत्येक भी आता है, संज्ञा आती है, संज्ञा इसमें नहीं आती उसमें आती है, विशेषण भी पूछते हैं और 1 वचन भी। तो सिर्फ 3-4 टॉपिक हैं जो कि DSSB में ऐड किया गया है। सो हम अगर बात करते हैं कि हिंदी का हो गया, अब आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टॉपिक मैं बताता हूँ टेंस जो है उसके रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एडजेक्टिव। टेंस 1 क्वेश्चन, एग्जेक्टिव 1 इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे, कंजक्शन के भी क्वेश्चंस पूछा गया था 1 क्वेश्चंस, एक्टिव वॉइस के 2 क्वेश्चंस, आर्टिकल की बात करते हैं उसमें 1 क्वेश्चंस, स्पॉट एरर में कुछ भी पूछ सकते हैं, मींस उसका उसमें टेंस के भी पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव पूछ सकते हैं, किसी के बारे में भी एक एरर दे देंगे आपको वो फाइंड करना है। एंड वर्ब 1 क्वेश्चंस, स्पेल्ट यानी कि स्पेलिंग जो रॉन्ग स्पेलिंग होती है वो दिया जाता है आपको, राइट फाइंड करना होता है।
एंड एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव में स्पेशली क्या पूछते हैं, उसमें सुपरलेटिव, कंपरेटिव और पॉजिटिव डिग्री पूछते हैं, प्री पोजिशन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ब की बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था, एंड क्लोज की बात करते हैं, क्लोज का एक क्वेश्चन, क्लोज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वर्ड्स होते हैं ग्रुप होता है वो पूछे थे। तो सारे ये 14 क्वेश्चन है जो कि इन टॉपिक्स के ही अंदर आते हैं, ये आप टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बताते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में स्पेशली आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना इसमें, इसमें एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस में टॉपिक्स क्या आता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वो स्टार्टिंग में ही पूछा दे दिया था। तो इसमें मेन टॉपिक्स हमारे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एक टॉपिक ये, हाँ यही ज़्यादातर पूछते हैं एमएस एक्सेल। इसके एमएस वर्ड के 4 क्वेश्चन समथिंग, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, एमएस एक्सेल के भी 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 8 क्वेश्चन इसी में से हो गया। एंड पावर पॉइंट में भी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल पूछ लेते हैं, जैसे कि हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, नॉर्मल जो है 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप फोकस करना है कि इन टॉपिक्स पर जो है फोकस मैक्सिमम करना है। हमारे 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 4 सब्जेक्ट हमारा आता है कि मैथ। मैथ का मैं स्पेशली कोई टॉपिक नहीं बताऊँगा, मैं बताता हूँ कि आपको एडवांस और थियोरेटिकल, थियोरेटिकल नहीं हम बोल सकते हैं कि एडवांस का जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन आपको काफ़ी अच्छी तरह करना होगा। मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, अब 14 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, एंड ओवरऑल जितने भी टॉपिक होते हैं, अब टाइम एंड वर्क हुआ, डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज हुआ, रेशो एंड प्रोपोर्शन हुआ, एज हुआ, तो सभी जो क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, तो मैथ में स्पेशली मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दूंगा। एंड वहीं हम अगर बात करते हैं कि रीजनिंग की, तो याद रखना रीजनिंग 14 नंबर में से प्रॉपर जो रीजनिंग होती है वो 7 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, अदरवाइज जो 7 क्वेश्चन वो मैथ के ही टॉपिक रहते हैं, जिसमें हमारा एज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंट हुआ, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको इजीली मत लेना कि ये जो रीजनिंग है वो ओनली रीजनिंग आती सिंपल है, नहीं करेंगे, जब रीजनिंग में मैथ भी आता है तो मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड हमारे हो गए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आता है हमारा जीएस एंड कंप्यूटर, वो जनरल साइंस। जीएस में मैं स्पेशली टॉपिक नहीं बताऊंगा, इसमें भी सिंपल है कि एमपी का आपको डिटेल में पढ़ना है, एंड इसका एमपी का करंट पढ़ना है आपको, ऐसे ही जीएस पढ़ना है जो नॉर्म ओवरऑल इंडिया का, और इसका भी करंट पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। स्पोर्ट्स का स्पेशली ज़्यादा आपको करंट पढ़ना है। वहीं जनरल साइंस की बात करते हैं, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, इसमें कभी आप देखना। सो ओवरऑल सबका वेट सेम ही रहता है, ओवरऑल सबका सेम ही वेटेज रहता है, 4-4 क्वेश्चंस कह सकते हैं, 4-5 क्वेश्चंस अभी के आते हैं। और बस यही मैंने आपको बताया है कि ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, एंड इसमें एटलीस्ट 80 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 100। एंड टेक्निकल जो बात करते हैं उसके बारे में स्पेशली आपको जो है अलग लेक्चर लेके आऊँगा, टेक्निकल के बारे में कि टेक्निकल को कवर कैसे करना है। आपको उसमें घुसना नहीं है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको आप IAS फाइट नहीं करें, आप फाइट करेंगे डिप्लोमा लेवल का जो है सब इंजीनियर, आपको वो फाइट करना है। अब डिप्लोमा लेवल को आपको जानते हैं कि उस समय थियोरेटिकल मैक्सिमम पूछते हैं कंपेयर टू द न्यूमेरिकल। सो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं लाइक गेट के, IAS के, आपको सिर्फ ऑन नॉर्मल्स आपको SSC JEE के भी सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी JEE के हैं वो सभी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो।